नमस्कार दोस्तों, और टी टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आरटीआई के द्वारा जो जवाब मांगा गया था, खास करके हिंदी विषय में, कितने साथी हमारे जो हिंदी में 30% जो अंक लाना था भाषा में, उसमें कितने साथी हमारे फेल होने के बावजूद शिक्षक बने हैं, उसका जवाब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया गया है, जो आप सभी के सामने में है। उपर्युक्त विषयक दिनांक 10/6/24 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नवत है। कंडिका एक वर्ग 9-10 विषय हिंदी के लिए घोषित रिजल्ट में क्वालिफाइंग मार्क 30% से कम अंक लाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या जो है वो 37 बताया गया है। 9-10 विषय हिंदी में यहाँ पर कुल सीट 457 है बीसी कैटेगरी का, वहीं कुल बीसी कैटेगरी में जो रिजल्ट आया वो 457 ही आया। कुल चयनित पुरुषों की संख्या 235, कुल चयनित महिलाओं की संख्या 222 है। वहीं दूसरे राज्य से जो चयनित पुरुष हुए हैं 9-10 हिंदी विषय में, उनकी संख्या है 619, जो कि काफ़ी संख्या है। वहीं पर दूसरे राज्यों के चयनित महिलाओं की संख्या की बात यदि मैं करूं तो 313 है। तो यहां पर जितने भी सीट है उसमें 37 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि उनका मेधा अंक में नाम जो है वो आया। यानी कि इस बात से आप सभी बहुत ज़्यादा पहले से ही परेशान हो रहे हैं कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग से अपना रिजल्ट प्राप्त किया। तो 9-10 की मैं यदि बात करूं, 9वीं 10वीं में 37 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने के बाद, यानी कि 30% से भी कम अंक लाने के बाद भी नौकरी पाए हैं। साथियों,